क्या आप भी रूटीन की आलू गोभी की सब्जी खा खा कर बोर हो चुके हैं? तो चलिए आज इसे बनाते हैं बहुत ही अलग और नए स्टाइल में। हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का होम एलोपी पर। आज हम अपने किचन में बनाएंगे आलू गोभी कोफ्ता करी, और कोफ्तों को भी हम बिना फ्राई किए बनाएंगे। कैसे? तो चलिए देखते हैं। आलू गोभी कोफ्ता करी बनाने के लिए मैंने लिया है आधा फूल फूल गोभी का और दो आलू लिए। गोभी को अच्छे से धोकर फाइनली चॉप कर लेंगे और आलू को ग्रेट करके अच्छे से पानी से धोकर स्क्वीज़ कर लेंगे। कोफ्ता बनाने के लिए एक मिक्सिंग बाउल में डालेंगे चॉप की हुई कॉलीफ्लावर यानी कि फूलगोभी, ग्रेट करके अच्छे से वॉश और स्क्वीज़ किए हुए पोटैटोस, थोड़ा सा ग्रेट किया हुआ अदरक, बारीक कटी हरी मिर्ची, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें डाल देंगे थोड़ा सा काली मिर्ची का पाउडर, नमक अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट और 2 पिंच धनिया पाउडर। इसके साथ इसमें बाइंडिंग के लिए डालेंगे बेसन। बेसन हमें कम से कम यूज़ करना है ताकि जो कोफ्ते हैं वो अच्छे और सॉफ्ट बने। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेंगे और उसे इसे हाथों से गोल करते हुए कोफ्ते की शेप दे देंगे। इसी तरह सारे कोफ्ते बनाकर तैयार कर लेंगे। सारे मिक्सचर से कोफ्ते बनाकर तैयार कर लिए हैं, परंतु आज हम इन्हें फ्राई नहीं कर रहे, इसलिए इन्हें स्टीम करेंगे। स्टीम करने के लिए एक पैन में पानी लेकर गैस पर बॉईल होने के लिए रख देंगे। जैसे ही पानी बॉईल होने लगेगा इसके ऊपर एक स्ट्रेनर रखेंगे और इसे थोड़ा सा घी या ऑयल लगाकर ग्रीस कर लेंगे। अब सारे कोफ्तों को इसके अंदर रख देंगे, फिर इनको कवर करके 10 से 12 मिनट तक स्टीम कर लेंगे। जब तक कोफ्ते स्टीम होते हैं हम ग्रेवी बना लेते हैं। इसके लिए एक कढ़ाई या पैन में लेंगे 2 टेबल स्पून वेजिटेबल ऑयल, अच्छे से गर्म होने देंगे। ऑयल के अच्छे से गर्म होने के बाद इसमें डालेंगे जीरा, क्रैकल होने देंगे, और अब इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, बारीक कटा हुआ अदरक, आप इसे ग्रेट करके भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा भून लेंगे। फिर इसमें ऐड कर देंगे फाइनली चॉप किया हुआ प्याज। प्याज को हाई हीट पर चलाते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। प्याज में बढ़िया गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। इस स्टेज पर इसमें ऐड करेंगे ड्राई मसाले, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी पाउडर, नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट और 1/4 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर। रेड चिल्ली पाउडर हम यहाँ कम ही यूज़ करेंगे क्योंकि हमने टमाटर की प्यूरी बनाते समय उसमें कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर आधा चम्मच ऐड कर दिया था। और इसके साथ इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर और साथ में ऐड कर देंगे टमाटो प्यूरी। अब इन्हें मिक्स करते हुए तब तक भूनेंगे जब तक कि टमाटर अच्छे से भून नहीं जाता और ऑयल मसाले से सेपरेट नहीं हो जाता। 5 से 6 मिनट तक अच्छे से मिक्स करते हुए भूनने के बाद देखिए मसाले में से ऑयल है वो सेपरेट हो चुका है और मसाला सेंटर में इकट्ठा होने लगा है, यानी कि ग्रेवी का मसाला अच्छे से भून चुका है। इस स्टेज पर इसमें ऐड कर देंगे 2 कप पानी से मिक्स करेंगे, इसमें बॉयल आने देंगे और फिर उसके बाद आंच को धीमी करके इसे 3 से 4 मिनट तक कवर करके पकने देंगे। कोफ्तों को स्टीम होते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। इस स्टेज पर एक बार इन्हें भी चेक कर लेते हैं। इसके लिए एक टूथपिक लेंगे और उसे एक कोफ्ते के अंदर इस तरह से डालकर देखेंगे। देखिए टूथपिक बिल्कुल क्लियर है, यानी कि कोफ्ते हैं वो अच्छे से अंदर तक स्टीम हो चुके हैं। इस स्टेज पर फ्लेम को ऑफ कर देंगे और कोफ्तों को
नीचे उतार कर थोड़ा ठंडा होने देंगे। ग्रेवी को 4 से 5 मिनट तक पका लिया है। इस स्टेज पर अब इसमें ऐड कर देंगे 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। एक बार फिर से मिक्स करेंगे और स्टीम किए हुए कोफ्तों को इसके अंदर डाल देंगे। हल्के हाथों से चला देंगे। अब आंच को बिल्कुल धीमा करके इसे कवर करेंगे और 2 मिनट तक पका लेंगे ताकि जो ग्रेवी है वो अच्छे से कोफ्तों के अंदर तक चली जाए और कोफ्ते बहुत ही रसीले और सॉफ्ट बने। थोड़ी देर तक कोफ्तों को करी के साथ पकाने के बाद फ्लेम को ऑफ कर दिया है और अब इन्हें डालेंगे सर्विंग बाउल के अंदर। गार्निश करेंगे कटे हुए हरे धनिए के साथ। लीजिए, तैयार है हमारी आलू गोभी कोफ्ता करी, जिसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे लंच या डिनर में। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है और चूंकि यहाँ हमने बहुत ज़्यादा घी तेल का यूज़ नहीं किया है और कोफ्तों को भी फ्राई नहीं किया है, तो इसलिए ये और भी हेल्दी हो जाती है। तो इस अलग सी रेसिपी को आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए और यदि रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।